रहमान रहीम। जरूरी वजाहत, मुमनी अभी आप एक मशहूर पेपर और अखबार ने ये शाया किया कि जो बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, आफ्ताब शरीयत मौलाना कलमे जवाद साहब कबला की नुमाइंदगी में हसनैन बकाई वहां के ऊपर गए थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि मैं मौलाना आफ्ताब शरीयत के कहने के ऊपर और आपने मुझसे कहा कि आप उस मीटिंग में जाएं, क्योंकि मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है लिहाजा आफ्ताब शरीयत नहीं जा सकते थे, उन्होंने मुझे इस जरूरी मीटिंग के अंदर वहां पर भेजा था। रही इसकी बात हसनैन बकाई की, बेशक ये हमारे क्या हमारे जनाब किया और जो भी प्रोग्राम सूफी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो आला पैमाने के ऊपर होती थी उसके अंदर यही तमाम सूफियों को बुलाता था, तमाम से रब्ता करता था, वह था उसका आना जाना था। लेकिन बाद में थोड़े थोड़े करके इसके कहा जाए कि जो इसका चेहरा था असल वो आने लगा कि किस लोगों को किन किन लोगों को ये किस किस सूरत से कहा जाए कि फ्रॉड करता है, ये करता है, वो करता है, ये खबरें मिल रही थी। लिहाजा एक अरसे दराज से इसका आना जाना यहाँ के ऊपर बंद कर दिया गया था और सख्ती से बंद कर दिया गया था। लेकिन ये मीटिंग में ये दावतनामा देने के लिए आफ्ताब शरीयत को आया था, जिसके ऊपर जो है आफ्ताब शरीयत बीमार होने के ऊपर नहीं जा सकते थे, उन्होंने मुझसे फरमाया था, मैं वहां पर उनके नुमाइंदे के तौर पर गया था। रही इसकी बात इसने जो फ्रॉड किए हैं और जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, तो यहाँ के ऊपर हमारा हिंदुस्तान है, संविधान है, कानून है, तो कोई भी शख्स अगर यहाँ के ऊपर कानून के विरुद्ध जाएगा और उसके जाएगा और कानून को हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा हम लोगों का उससे कोई ना लेना देना है, ना उससे कोई सरोकार है। जरूरी वजाहत थी ये कि हम नुमाइंदगी के तौर के ऊपर गए थे, ये नहीं गया था इसकी वह, और उस अखबार की भी मैं कहा जाए सख्ती के साथ निंदा करता हूं और उसकी मुखालफत करता हूं कि उसने बगैर तहकीक के कहा कि नुमाइंदगी के तौर के ऊपर हसनैन बकाई को भेजा गया था। अखबार के अखबार नवीसों को चाहिए यह पहले तहकीक करें और तहकीक के बाद खबर को।